वो जी मैं आपको बताता हूँ, सारी गल्लें दसता हूँ भी क्या मसला होया कि मैं झगड़ा हुआ है। मैं उस वक्त बिल्कुल उत्थे ही था, ये सारा लड़ाई झगड़ा मेरी अखों के सामने हुआ है। तो जी नाजी और शाजी दो बहने हैं, एक का घर जो है वो सज्जे हाथ है, दूए का घर खब्बे हाथ है। दोनों के घर जो है आपस में एक दूए के साथ रलते हैं। तो मैं गया था नवाज का पता करने, जो शाजी का साई है। दरअसल इसमें एक गल पुरानी है, पुरानी गल ये है कि नाजी का जो साई है वो पहले शाजी का साई था, जो शाजी का साई था वो पहले नाजी का साई था। फिर इन्हा की आपस में तलाका हुई, फिर तलाका को के बाद जो है फिर आपस में इन्हा दे अदल बदल करके शादी हो गई। तो मसला इथों शुरू हुआ है कि मैं गया नवाज का बुआ खड़काया, तो शाजी निकली। शाजी ने मैनू आखा कि तुम अंदर आ जाओ, तुम्हारा आपका ही घर है। मैं चला गया अंदर, लगा ही था बुए से आगे लाग रहा था, तो थोड़ी देर तक ऊपर से नाजी आ गई। नाजी ने आखा भई शाजी ये जो कौली है, कौली जिसमें बाजी सालन डालते हैं जी, वो ये कौली ये साड़ी है। तो ना शाजी ने ये आखा कि जो ये कौली है ये साड़ी है, इसने मैं केल ठोक कर ऊपर निशान उत्थे लगाया है कौली के पीछे, ये देख लो। तो फिर क्या हुआ कि वो आपस में गालो गाली कड्डन लग पईयां, तो आपस में लड़ पईयां। तो जो जब वो लड़ती पई थी, मैंने उनको आखा कि भाई लड़ाई नाल मसला जड़ा है उसको हल नहीं करते, भी गल बात नाल कर लो। तो वो आपस में हथो बखी हो गई। तो मैं उनको छुड़ाने की कोशिश फुल करता पिया था, तो वो आपस में छाड़ नहीं रही थी, बिल्कुल छोट ही नहीं रही थी। तो उत्तों शाजी का साई आ गया नवाज। तो शाजी के ने उसने आकर अपनी सवानी को ही फदना था, उसने अपनी सवानी को फाद लिया। तो उत्तों जो है नाजी, उसने घसोन बीड़ दिया था, तो वो उसके इथे नाक पर लगा, तो दतीरी लमकड़ी शुरू हो गई। तो जब दतीरी चली तो उसने मोक मारी अपने साई को, भई तुमने मुझे फाद कर मरवाया है। तो वो आपस में भी गर्मी सर्दी हो गया, आपस में भी सवानी बंदा आपस लड़ाई हो गई। तो फिर वो कबड़ी के उसके हाथ छुरी या पता नहीं कोई सोटी कोई ऐसी चीज हथे आई उसके, तो वो भाग कर उसको मारने गई नाजी को, उसको ना लगी। फिर ऊपर से वो उसका नाजी का भी साई आ गया बज के, उसको आवाज जब जब सुनिंदी पई थी, वो घर था, तो उसको आवाज जब सुनिंदी पई है तो बज कर कद टाप कर वो आया। कद से उसने जब छाल लगाई तो नीचे आ गया, तो उसने फद्दा आकर आपदी सवाणी को जब फद लिया उसने, तो अच्छा आपदी सवाणी को उसने फद्दा, तो उसने घसोन बीड़ा, तो घसोन लग गया उसको, उसकी सवाणी को लग गया, शाजी नाजी को घसोन नहीं थोड़ा सा लगा। फिर उसने लात मारी, तो फिर वो नाजी के नाक के ऊपर लगी, उसके दो नाकों में से यहाँ पर दतीरियां चल पड़ी। वो जो है वो अब गई, वो उसने रोला पाल लिया, बड़ा रोला पाया कि वो मैं जाऊंगी, मेरे साईं ने फद कर मुझे मराया है, उसके साईं ने फद कर मराया है। तो एंज करके जी रोला पाल है, थाने भाग गई थी। जब थाने गई, थाने वाले तो पहले ही मुंह पट कर बैठे होते हैं, भई कोई रोला पवे तो ऐसी आइए। वो गई तो थाने वाले भी आ गए थे। तो मल्ले आलों ने कहा कि भी आपा इथे रोला घरे मुका लेंगे। तो जी साहब जी रोला जो है अब मूक गया है, मूक ऐसे गया है कि जो चौधरी साहब हैं वो कहते हैं कि भी घरे मुका लेंगे, इनका सुलह नामा कराएंगे, सफाई कराएंगे इनसे, तो बस बहनों भिरावों की तरह रहेंगे। तो थाने वाले जो है वो वापस चले गए हैं, आप दे घर को चले गए हैं। तो जो शाहजी नाजी भी है आधे घर के है, लेकिन शाहजी ने अपने साई को अपने घर नहीं बढ़ने दिया। शाहजी जो है वो अपने साई को घर नहीं बढ़ने दे रही,
कि इसने मुझको फद के मराया है, वो कसमें और कुरान चाह रहा है कि भई मैंने फद के नहीं मराया, मैंने लड़ाई छड़ावने की कोशिश की है। तो बस यही गल है।